जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ के अंदर जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी रिलीज हो रखी है, फॉर्म आपने अप्लाई कर दिए होंगे। तो दोस्तों, इसके अंदर आपका जो एग्जाम होगा, जो एग्जाम के अंदर क्या सिलेबस आने वाला है, कितने नंबर का आपका एग्जाम होगा, पास के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, कितनी कट ऑफ जा सकती है, साथ ही बात हम करेंगे ट्रेड टेस्ट की, ट्रेड टेस्ट कितने नंबर का होगा, ट्रेड टेस्ट में पास होने के लिए क्या करें। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इन टॉपिक्स पे पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कर लाइक कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सीआईएसएफ के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो एग्जाम होगा वो कितने नंबर का होगा, क्या उसके अंदर सिलेबस आने वाला है। तो आपका जो एग्जाम होगा वो आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा। अगर आपके 100 क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं और इसके अंदर आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसके अंदर हम बात करें सिलेबस की, तो इसके अंदर आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, इसके अलावा आपका मैथ और रीजनिंग और हिंदी ऑप्शन इंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में से आपको जो आपकी लैंग्वेज है जिसके अंदर आप एग्जाम देना चाहते हैं, दोनों में से आपको एक होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश। तो आपका मेन जो 4 पार्ट होंगे इसके अंदर, सामान्य ज्ञान, इसके अलावा रीजनिंग और आपका मैथ और हिंदी या इंग्लिश दोनों में ऑप्शनल हो गया। तो ये तो आपका टोटल हो गया एग्जाम इसके अंदर 100 अंक का। इसके अंदर अगर हम बात करें पासिंग मार्क्स की, तो पासिंग मार्क्स के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर एक्स सर्विसमैन से अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, तो आपको पास होने के लिए 35% नंबर आपको चाहिए, यानी कि 100 में से 35 आपके होने चाहिए क्वालिफाइंग मार्क। इसके अलावा अगर आप ओबीसी हैं, एससी एसटी से हैं, तो फिर आपको 33% मार्क्स आपको पासिंग के लिए चाहिएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, 100 अंक का आपका क्वेश्चन होगा, पेपर होगा, जिसके अंदर पासिंग के लिए आपको जनरल ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन को 35, बाकी जो कैटेगरी बच गई इनको 33% मार्क्स चाहिए। बात करें हम नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होने वाली है आपकी। इसके अंदर आपका जो एसएससी जीडी वगैरह के अंदर आपने कोई और एग्जाम दिया होगा जिसके अंदर आपका जो गलत जो क्वेश्चन होगा उसका आपका मार्क्स काट लिया जाता है, ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं है। तो आप अच्छी से तैयारी करें, फिर जब आप एग्जाम देने जाएं तब भी सभी क्वेश्चन आपको इसके अंदर करने हैं, जो नहीं आ रहा उसको भी करना, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होने वाली नहीं है। बात करें हम ट्रेड टेस्ट की, तो ट्रेड टेस्ट इसके अंदर किसी ट्रेड टेस्ट का कोई मार्क्स के अंदर नहीं है। इसका ट्रेड टेस्ट सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई में मार्क्स आपको चाहिए, यानी कि सिर्फ पास होना है इसके अंदर। उसका कोई स्पेशल ये नहीं है कि आपको इतने नंबर का आपका होगा, उसके अंदर इतने नंबर आपको लाना है, इसके अंदर सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है ट्रेड टेस्ट को, पासिंग होना चाहिए ट्रेड टेस्ट में जिस ट्रेड से आपने अप्लाई कर रखा है, चाहे आप कुक से है, वाटर कैरियर से है, वाशरमैन से है, सफाई कर्मचारी से है या फिर आप टेलर से है, किसी भी ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उस ट्रेड के पर्टिकुलर आपको वर्क आना चाहिए कि आप किस ट्रेड के संबंध में उसकी जानकारी, उस ट्रेड के जो भी उस ट्रेड से रिलेटेड, जैसे आप टेलर से भर्ती हो रहे तो टेलर के रिलेटेड जो काम है वो आपको आना चाहिए, उसके पार्ट्स वगैरह जो काम में लेता है टेलर, मशीन हो गई, कैंची होगी, जो भी चीज़ें हैं उन पार्ट्स की आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रेड टेस्ट के संबंध में मैं अलग अलग ट्रेड के वीडियो बनाऊंगा कि जैसे आपको ट्रेड टेस्ट में पास होना है तो कौन से ट्रेड के लिए आपको क्या काम करना है, कैसे ट्रेड टेस्ट होता है, तो इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर लिंक दे दूंगा आपको। मैंने एक नया चैनल और बना रखा राकेश फौजी स्टडी पॉइंट के नाम से, या आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो आते रहेंगे ट्रेड से संबंधित। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर के भी, जीके के, मैथ के, रीजनिंग के वीडियो मैं उसके अंदर बनाता रहता हूँ, तो आपको एग्जाम की तैयारी करने में सावधानी उसके अंदर आसानी हो जाएगी। तो आप उस चैनल को पे विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा सीआईएसएफ ट्रेड से बन के संबंध में जो सैलरी वगैरह, फैसिलिटीज वगैरह, जॉब प्रोफाइल वगैरह अलग अलग ट्रेड की मैंने वीडियो बना रखे हैं, आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में सीआईएसएफ ट्रेड से रिलेटेड वीडियो के नाम से लिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर आप सीआईएसएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। और आप फॉर्म अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपके फिजिकल के साथ साथ में ट्रेड टेस्ट और आपकी एग्जाम वाले हर पार्ट की आपको संपूर्ण जानकारी ठीक प्रकार से लेनी होगी। कंपटीशन इतना नॉर्मल रहने वाला है, कंपटीशन अच्छे हार्ड कंपटीशन रहने वाला है इसके अंदर, तो आप हर क्षेत्र के अंदर आपको संपूर्ण ज्ञान लेना पड़ेगा। जैसे आप फिजिकल की तैयारी करेंगे, साथ ही ट्रेड टेस्ट के साथ ही आपको रिटर्न की भी, रिटर्न में मैंने आपको बता दिया है अलग से कोई पैटर्न इसके अंदर है नहीं, जो है नॉर्मल भर्तियों में जो होता है सेम मैक्सिमम सभी पोस्ट के ऊपर यही होता है आपका, रीजनिंग, मैथ, जीके, तो हिंदी इंग्लिश ये चीज भी चीजें होती हैं, वही चीजें हैं, थोड़ा आपको इसके अंदर तैयारी करनी है। तो आपको ट्रेड टेस्ट और रिटर्न टेस्ट की अच्छी तैयारी करके आप इसके अंदर सफल जरूर हो जाएं और सीआईएसएफ के अंदर आप जॉब पाके भारत के अंदर, देश सेवा के अंदर आप अपना योगदान दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो में यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।